श्री सूक्त पुरुष चरण को सफलतापूर्वक करने के लिए 960 दिनों के कार्यक्रम का पालन करना लगभग असंभव है। दिनचर्या को पूरा करने के लिए लगभग 45 मिनट की आवश्यकता होती है, उस समय को छोड़कर जो आप हर सुबह स्नान करने में ले सकते हैं। दैनिक निषेधाज्ञा इस प्रकार है। 1. 960 दिनों तक आपकी दिनचर्या नित्य कर्म। 2. रोज सुबह स्नान करें। 3. वेदी पर दीपक जलाएं और केसर का हल्का तिलक लगाएं। माथा, आप चाहें तो यह तिलक बहुत हल्का हो सकता है, इतना हल्का कि नहीं कोई भी इसे देख सकेगा। बस केसर के कुछ धागे रख लें। एक छोटे कटोरे में पानी की कुछ बूंदे डालें। इसके साथ स्पर्श करें। आपके माथे पर आपकी अंगूठी, यही आपका तिलक होगा। अभी प्रतिदिन थोड़ा सा पानी डालें और जब भी केसर अधिक डालें। आवश्यकता है 4. सुबह स्नान के बाद श्री सूक्तम का 11 बार जाप करें। 5. 5 मिनट तक श्री और विष्णु का ध्यान करें और उन्हें विराजमान करें। आपका हृदय अत्यंत गौरवशाली है। 6. प्रतिदिन शाम रात को 5 बार स्नान करके श्री सूक्तम का जाप करें। इस समय सलाह दी जाती है, यद्यपि अनिवार्य नहीं है, आप बस कर सकते हैं। अपना चेहरा, हाथ और पैर धोएं, अपना मुंह धोएं और लगाएं। अपने माथे पर तिलक लगाएं, अपनी वेदी पर एक शाम का दीपक जलाएं। 7. बिस्तर पर जाने से पहले 5 मिनट तक ध्यान करें, आप ध्यान कर सकते हैं अपने बिस्तर पर बैठे हुए। 1 बार फिर श्री देवी को विराजमान करें और आपके हृदय चक्र में विष्णु। इन 960 दिनों के दौरान अभ्यासकर्ता को पूरी तरह से रहना चाहिए शाकाहारी। न मांस, न समुद्री भोजन और न अंडे। डेयरी ठीक है, लहसुन और प्याज भी ठीक है। मूल शास्त्रगत निषेधाज्ञा की आवश्यकता है कि साधक कपिला के दूध और दूध उत्पादों पर निर्वाह करता है गाय, लेकिन मैं आपको वही तरीका सिखा रहा हूँ जिसका मैंने अभ्यास किया और जिससे लाभ हुआ। यह संप्रदाय, परंपरा, मंत्र विज्ञान के मूल सिद्धांतों में से एक है। यदि आप मेरी परंपरा का पालन करते हैं तो आपको केवल आय के नियमों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। यह बताएं, इन 960 दिनों के दौरान संयम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसकी आवश्यकता होगी। 16 रातों तक चलने वाले पुरुचरण के अनुष्ठान के दौरान यह एक आवश्यकता है। यदि आप अनजाने में कुछ अनुचित केक या खा लेते हैं, उदाहरण के लिए अंडे युक्त बिस्कुट या युक्त उत्पाद, जिलेटिन आदि, या उपरोक्त 6 नियमों में से किसी एक को तोड़ना आकांक्षी को करना होगा। प्रायश्चित का अनुष्ठान करें। मैंने प्रायश्चित के संस्कारों का विस्तार से वर्णन किया है इस साधना के लिए इस अध्याय में बाद में। हालांकि यदि आप जानबूझकर उपरोक्त सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं तो आपका साधना से समझौता हो गया है। आपको काउंटर को रीसेट करना होगा और प्रारंभ करना होगा प्रारंभ से। यदि आप वास्तविक होने के कारण उपरोक्त किसी भी नियम का पालन करने में असमर्थ हैं, बीमारी आपको बाद में पता लगाना होगा। उदाहरण के लिए यदि किसी चोट के कारण या बीमारी के कारण आप एक दिन नहीं नहा पाते तो अगले दिन जरूर नहा लेते हैं जब, और ध्यान की मात्रा दोगुनी करें। इसी तरह यदि आप, मान लीजिए हम एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई में थे और नहा नहीं सकते थे, सुबह आपको जप करके इस नुकसान की भरपाई करनी चाहिए, अगले दिन दोगुना ध्यान करना। इस नियम का 3 साल तक लगन से पालन करें और आप इसके लिए तैयार हो जाएंगे। देवी माँ का परिवर्तनकारी पुरुचरण करें। इसमें कितना समय लगता है? पुरुचरण 16 रातों का होता है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, आदर्श रूप से एक अभ्यर्थी को 960 दिनों तक दैनिक दिनचर्या का पालन करना चाहिए। आप इस साधना को कब शुरू कर सकते हैं? श्री सूक्त का पुरुषचरण वर्ष में केवल एक बार ही किया जा सकता है। दिवाली की रात को डोट, जब आप दिवाली की रात को शुरू करेंगे तो यह होगा 16वीं रात को समापन। कृपया पंचांग से परामर्श लें अथवा दिवाली की तारीख जानने के लिए भारतीय कैलेंडर। दिवाली के अनुसार ग्रेगोरियन कैलेंडर भी अन्य कैलेंडर की तरह ही हर साल बदलता है। सनातन धर्म के त्योहार दिवाली भी चंद्र पर आधारित है। कैलेंडर, इस साधना को कौन कर सकता है? कोई भी पुरुष या महिला, चाहे महिला ही क्यों न हो, किसी के भी पुरुचरण के दौरान पहले या बाद में मासिक धर्म होना, आयु, धर्म, क्षमता या पृष्ठभूमि के साथ इस साधना को कर सकते हैं या बिना दीक्षा के पूर्ण परहेज का अभ्यास करना चाहिए। पूरे पुरुचरण के दौरान गीला होने की स्थिति में कोई दोष नहीं है। स्वप्न दोष या यौन द्रव्यों का कोई अन्य अनैच्छिक स्राव, स्वेच्छा से
हालांकि किसी भी प्रकार की यौन संतुष्टि सख्त वर्जित है। आहार 16 रात्रि की साधना के दौरान आपको पूर्णतः शाकाहारी रहना चाहिए। आहार डेयरी की अनुमति है, लेकिन मांस, समुद्री भोजन या अंडे की अनुमति नहीं है। कोई प्याज या लहसुन नहीं। दोनों में से एक बिस्कुट, केक, चीज, सप्लीमेंट खाने से सावधान रहें, आदि जिसमें पशु व्युत्पन्न सामग्री शामिल हो सकती है। चिराग, इस पुरुचरण में जलाया जाने वाला दीपक किसी भी धातु का बना हो सकता है, यहाँ तक कि एक मिट्टी के दीपक का उपयोग किया जा सकता है। बाती रुई की बनी होनी चाहिए, यह है गूंथे हुए सूती धागे, सामान्य पवित्र धागे की तरह का उपयोग करने की अनुमति है। लाल धागा, मौली उदाहरण के लिए, या कोई अन्य बाती के रूप में उपयोग करने के लिए। तेल, दीपक में घी या तिल का तेल प्रयोग करना चाहिए यदि आप कर रहे हैं। यह साधना ठंडे क्षेत्र में की जाती है क्योंकि दिवाली अक्सर सर्दियों में पड़ती है। दुनिया के कुछ हिस्सों में बहुत ठंड हो सकती है, मैं अनुशंसा करूंगा। तिल के तेल को घी के रूप में इस्तेमाल करने से यह बहुत जल्दी जम जाता है और बुझ सकता है। आपका दीपक दिशा, इसे करते समय साधक का मुख पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर होना चाहिए। जप और यज्ञ, कपड़े लाल रंग के वस्त्रों का ही प्रयोग करें। आदर्श रूप से आपको अब और नहीं पहनना चाहिए। आपके शरीर पर लाल रंग के ढीले कपड़े के दो टुकड़े, एक से अपने निचले शरीर को ढकें और दूसरे से ऊपरी हिस्से को ढकें। अगर आप बहुत ठंडी जगह पर हैं, तो आप अपने कमरे में हीटर का उपयोग कर सकते हैं या अपने ऊपरी कपड़े को ऊनी शॉल से सिल लें। महिलाएं पहन सकती हैं साड़ी, ब्लाउज आदि। महिलाओं को भी यह साधना करने की अनुमति है। इन 16 रातों के दौरान मासिक धर्म होता है। यह एक तांत्रिक साधना है और आकांक्षी के लिंग, कामुकता आदि के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। शरीर क्रिया विज्ञान सीट, सबसे अच्छा आसन कंबल होगा जिस पर आप लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। आपके वस्त्र और आसन का रंग लाल होना चाहिए। इस साधना की प्रकृति के लिए आपको फर्श पर बैठना आवश्यक है। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो आप कुर्सी पर बैठकर सेटिंग करने का प्रयास कर सकते हैं। आपके सामने एक मेज पर लैंप, बर्तन आदि रखें। व्यक्तिगत रूप से मेरे पास है, उसके साथ कभी प्रयोग नहीं किया। यदि आप ऐसा करते हैं, तो कृपया बेझिझक साझा करें आपकी साधना का परिणाम। कंबल के अलावा आप मानक ध्यान भी ले सकते हैं। कुशन या कपास से बनी किसी सीट का उपयोग करें। इस साधना के लिए कुशा घास से बने आसन भी स्वीकार्य हैं। आसन, जब करते समय अपनी मुद्रा में स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करें। अत्यधिक ध्यान, आस्था और भक्ति, कृपया उस मंत्र का ध्यान रखें। साधना केवल मंत्र का अंधाधुंध जप करना नहीं है। अपनी सूची से किसी आइटम पर टिक लगाने के लिए, यह आत्मिक प्रक्रिया है। अपने देवता के साथ एक हो जाना ताकि आप स्वयं को ऊपर उठा सकें। आध्यात्मिक, भौतिक और भावनात्मक रूप से इस साधना के लिए आवश्यकताएं, एक एक दीपक, चांदी, पीतल या कोई अन्य धातु। मिट्टी का दीपक शुभ होता है। बहुत दो दीपक जलाने के लिए घी, 3-16 रातों के लिए 16 बातियां, 4-5 छोटे पानी के बर्तन, 1 छोटा चम्मच और 1 तश्तरी, वे हो सकते हैं चांदी, ताबे या पीतल का। यह हर साधना का मानक है। और बर्तनों, पात्रों का लेआउट कैसे करें, इसका विवरण यहाँ पाया जा सकता है। विस्तृत नोट्स में अध्याय बर्तनों की व्यवस्था, पत्रसदन, 5 मिठाई, गुड़ या शहद, मधु पर प्रसाद बनाने के लिए, 6 यज्ञ के लिए अलग अलग सामग्रियों की आवश्यकता होती है। 16 दिनों तक प्रत्येक दिन के विरुद्ध सूचीबद्ध किया गया है। संबंधित दिन 7 उन सामग्रियों के अलावा आपको लकड़ी की आवश्यकता होगी। आप किसी पवित्र एफजी, फिकस रिलिजियोसा, सामान्य की लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं। नाम पीपल, आम, मैग्निफेरा इंडिका, सामान्य नाम आ, या आम्र या पलाशा, ड्यूटिया मोनोस्पर्मा, सामान्य नाम प्लाशा या ढाक। आप देवदार, सेडरस देवदारा की लकड़ी का भी उपयोग कर सकते हैं। सामान्य नाम देवदारू या सागौन, टेक्टोना ग्रैंडिस, सामान्य नाम सागौन या शीशम। 8 रुद्राक्ष या कमल के बीज से बनी जपमाला गट्टा। 9 भरपूर आस्था, भक्ति और अनुशासन। मैं दृढ़ता पूर्वक अनुशंसा करता हूँ कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद
मेरे द्वारा नीचे बताए गए 36 चरणों के अनुरूप एक दैनिक चेकलिस्ट बनाएं। आपको किस चीज की आवश्यकता है इसकी एक दैनिक सूची बनाएं और सब कुछ खरीद लें पहले से ही, ताकि आप सुनहरा अवसर न चुकें। सामग्री आदि की कमी के कारण अपनी साधना पूरी करना। मंत्र, इस साधना का मंत्र 16 रातों तक हर रात बदलता रहता है। मैंने इसे रात्रि के अंतर्गत उपयुक्त आगामी अनुभागों में निर्दिष्ट किया है। एक रात दो इत्यादि। शुरू करने से पहले, यह साधना दिवाली की रात से शुरू होती है, लेकिन एक रात पहले इस साधना को वह दिवाली से एक रात पहले की रात शुरू करना है। वेदों की माता वेद माता गायत्री से अनुमति लें। ऐसा करने का सबसे सरल तरीका है कि स्नान करने के बाद अपने मंदिर में बैठें, सूर्यास्त पश्चात अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा पानी लें और मन ही मन गायत्री के रूप में दिव्य माँ को बुलाओ और उसकी तलाश करो। वह और प्रकृति की अन्य शक्तियाँ आपको इसकी अनुमति दे सकती हैं। संपूर्ण श्री सूक्तम साधना आगे की प्लेट में पानी छोड़ दें। आपको इसके बाद सवितुर गायत्री मंत्र का 30 माला जाप करें। आप रुद्राक्ष या चंदन की माला का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपने कोई अन्य प्रयोग किया है, गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए आप माला का प्रयोग कर सकते हैं। वही माला, कृपया सुनिश्चित करें कि आप इन मोतियों का उपयोग न करें। किसी अन्य मंत्र श्री सूक्तम सहित का जाप करें। एक राउंड 108 बार होता है, इसलिए 30 राउंड 108x30 3240 होंगे। मैं कोई भी बड़ा काम करने से पहले हमेशा 10,000 बार जाप करता था, पुरुष चरण, लेकिन 30 राउंड भी पर्याप्त होंगे। फिनिशिंग के बाद सो जाएं, उसी स्थान पर जहां आपने गायत्री मंत्र का जाप किया था। यहां है आपके संदर्भ के लिए फिर से गायत्री मंत्र, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्रोत भजन श्री सूक्तम। संपूर्ण साधना श्री सूक्तम पर आधारित है, जिसमें 17 श्लोक हैं। हर रात एक श्लोक का आह्वान किया जाता है, इसलिए 16 रातों की साधना होती है। आप नीचे श्री सूक्तम को संस्कृत और IST लिप्यंतरण दोनों में पा सकते हैं। और इस खूबसूरत भजन का अर्थ, एक हिरण्यवर्ण हरिणी सुवर्णराज तसृजा चंद्र हिरणमय लक्ष्मी जातवेदो मा आवाह दोता मा आवाह जातवेदो लक्ष्मी मंत गामिनी यस्या हिरण्य विंदेयम गमस्व पुरुषन हम तीन अश्वपूर्व रथम ध्यम हस्तिनादा प्रबोधिनी श्रिया देवी मुपहवे श्रीमा देवी जुषातम चार का सोस्मितन हिरण्य प्राकार मर्द्रा ज्वलंती तृप्तम तर्पयंतिम पद्मे स्थितं पद्मवर्णम तमिहो पहवे श्रियम पांच चंद्रम प्रभासन यशसा ज्वलंती श्रिय लोके देवजुष्टा मुदारम तम पद्मिनीम शरणम प्रपद्येक्ष मिर्मे नश्यता त्वं वृणे छे आदित्य वर्णे तपसोधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोथा बिल्वा तस्य फलानि तपस्नुदंतु मयांतर्यष्ट भया अलक्ष्मी है सात उपैतु मा देव सखाय कीर्तिष्ट मनिना साहा प्रादुर्भूतोस्मि राष्ट्रेस्मिन् कीर्तिमृद्धि ददातु मे आठ कुशुप पिपासामला ज्येष्ठामा लाक्ष्मीय नाश्यामेहम अभूतिमा समृद्धि च सर्व निर्नुदा मे गृहा नौ गंधद्वारं दुरादर्शन नित्य पुष्ठा करिष्यनिम ईश्वरी सर्वभूताना तमिहो पहवे श्रियम दस मनसः कामा कुटी वाचाय सत्यम शीमहि पशुना रूपमन्नस्य मयि श्रियः श्रेताम यशः ग्यारह कर्दमेन प्रजाभूत मयि संभव कर्दम श्रिया वसय में कुले मात्र पद्ममालिनी बारह आपह सृजंतु स्निग्धानी चक्रिता वासा में गृहे नीच देवी मात्र श्रिया वसाय में कुले तेरा आर्द्रा पुष्करिणी पुष्टिम पिंगलं पद्ममालिनी चंद्र हिरणमय लक्ष्मी जातवेदो मा आवाह चौदह आर्द्रा यह करिणी यष्टिम सुवर्ण हेमा मालिनी सूर्य हिरणमय लक्ष्मी जातवेदो मा आवाह पंद्रह तम मा आवाह जातवेदो लक्ष्मी मंत गामिनी यस्या हिरण्य प्रभूतम गावो दास्योश्वन विंदेयम पुरुषानाहम सोलह यह शुचिह प्रयतो भूत्वा जुहुर्दा जमन वेहें सूक्त पंचदशार्चन च श्रीकामः सत्तन जपे। अनुवाद, एक हे अग्नि मेरे लिए दीप्तिमान देवी लक्ष्मी का आह्वान करो। सोने के समान सुंदर पीले रंग का, मालाओं से सुशोभित, चांदी और सोने की, चांद और चांद की तरह भव्य, धन और समृद्धि का अवतार,
दो हे अग्नि, मेरे लिए उस देवी का आह्वान करो जो मेरे साथ रहेगी और मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं सोने गायों आदि की भौतिक संपत्ति प्राप्त कर सकूं। घोड़े और परिचारक, तीन, मैं श्री देदीप्यमान माता दिव्य का आह्वान करता हूँ जो कि है समृद्धि की देवी, अत्यंत महिमामयी उसके साथ। आगे आगे घोड़े, बीच में रथ और जिसके आगमन की घोषणा हाथियों की चिंघार से होती है, वह आए और मुझे आशीर्वाद दें। चार, मैं चमकाए हुए सोने की चमक के समान सुंदर श्री का आह्वान करता हूँ। वह कमल पर विराजमान है, सदैव मुस्कुराती रहने वाली परोपकारी माँ दिव्य, जो समृद्धि की देवी है का अवतार है, परम आनंद जो वैभव से चमक रहा है, वह अनुदान देती है उनके भक्तों की इच्छा। पांच, मैं उस देवी के चरण कमलों की शरण चाहता हूँ जो विद्यमान है, चंद्रमा के समान सुंदर और चमकीला जो चमकता है, वैभवशाली जिसकी देवताओं द्वारा और अत्यधिक पूजा की जाती है। उदार, मेरे दुर्भाग्य का अंत हो, मैं आपका आह्वान करता हूँ। छह, हे दिव्य माता, सूर्य के समान देदीप्यमान, आपके परिणाम स्वरूप महिमा और तपस्या से बिल्व जैसे पवित्र पौधे आते हैं अस्तित्व में, ऐसी तपस्या का फल सबका नाश कर दे। मेरे अशुद्ध विचारों से उत्पन्न अशुभता और अज्ञानता पूर्ण कार्य साथ, हे माता, तेरी कृपा से मैं एक धन्य देश में रह रहा हूँ। मई, कुबेर धन के संरक्षक स्वामी और कीर्ति प्रसिद्धि आते हैं, मुझे भगवान मुझे प्रसिद्धि और समृद्धि प्रदान करें। आठ, तेरे अनुग्रह और परिश्रम से मैं बचूंगा भूख प्यास आदि के रूप में अशुभता तथा कष्टकारी दरिद्रता पसंद। हे लक्ष्मी, मेरे घर से हर दुर्भाग्य को दूर करो और अपर्याप्तता। नौ, मैं श्री माँ दिव्य का आह्वान करता हूँ जो सर्वोच्च नियंत्रक हैं। सभी प्राणी जिन्हें मादक सुगंध के माध्यम से महसूस किया जा सकता है, जो पराजय और खतरे से परे है, जो सदैव सदाचारी है और प्रचुर। दस, हे दिव्य माता, समृद्धि की देवी, हम आनंद लें, हमारी महान इच्छाओं की पूर्ति, हमें आशीर्वाद मिले, वाणी की सत्यता, धन और प्रचुर धान्य। मई, आपके भक्त में समृद्धि और प्रसिद्धि का वास होता है। ग्यारह, हे करदम, जो करदम से उत्पन्न हुआ है उसे बनाओ, अर्थात तुमसे मेरे साथ अनुसरण समृद्धि की देवी बनाओ, जो है ब्रह्मांड की माता और कमल की माला पहनने वाली, निवास करो हमारा परिवार। बारह, मेरे जल में तेलयुक्त पदार्थ जैसे मक्खन उत्पन्न हो। घर, हे चिकलिता, मेरे घर में निवास करो और देवी का निर्माण करो, समृद्धि दिव्य माँ मेरे परिवार में भी निवास करती है। तेरा, हे जातवेद, उस अत्यंत सौम्य लक्ष्मी को मेरे पास लाओ, लाल रंग का, जो झीलों में निवास करता है और जिसके पास संपत्ति है, चंद्रमा की चमक और प्रचुर मात्रा में सोना। चौदह, हे जातवेद, मेरे लिए अत्यंत सौम्य लक्ष्मी लाओ, सुनहरे रंग का, जो झीलों में निवास करता है, जो दाता है, धनवान सोने की माला पहनने वाला, देदीप्यमान सूर्य और धन प्रचुर मात्रा में है। पंद्रह, हे जातवेद, उस लक्ष्मी को मेरे पास ले आओ जो मुझे नहीं त्यागेगी और जिनकी कृपा से मैं प्रचुर मात्रा में सोना गायें नौकरानियां प्राप्त कर सकता हूँ, घोड़े और नौकर। सोलह, जो धनवान बनना चाहता है उसे इसके बाद ऐसा करना चाहिए, स्वयं को पवित्र बनाकर और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर प्रतिदिन कार्य करें, फ्री में पिघले हुए मक्खन का प्रसाद उसे भी दोहराना चाहिए, मंत्रों की सदैव उपरोक्त छंद, हर रात 16 रातों तक आप एक अलग मंत्र का जाप करेंगे, लेकिन हर रात पहले कुछ कदम समान होंगे, चरण 17 लेना, व्रत संकल्प पहली रात को ही किया जाएगा सभी के लिए, शेष दिनों में आपको यह चरण करने की आवश्यकता नहीं है। सभी चरण हैं निम्नलिखित अनुसार, कृपया ध्यान दें कि इनमें से प्रत्येक चरण का विवरण और इसे कैसे निष्पादित करना है आदि अध्याय आवश्यक में पाया जा सकता है। मंगलाचरण, पुरुचरण के अनुष्ठान के चरण, यह साधना जहां भी हो मानक निर्देशों से भटकता है, मैंने विवरण आगे दिया है उस कदम के लिए। हालांकि श्री सूक्तम शुरू करने से एक रात पहले याद रखें, साधना तुम्हें वेद माता गायत्री से अनुमति लेनी होगी, मैंने इस अध्याय पहले के पिछले खंड में प्रक्रिया बताई गई है, आप शुरू करें। यहाँ श्री सूक्तम साधना के 36 चरण दिए गए हैं। एक, स्नान करें, यह साधना सूर्यास्त के बाद शुरू होती है, भले ही आपने इसमें स्नान किया हो, प्रातःकाल कुछ ऐसा जो एक साधक को हमेशा करना चाहिए, स्नान करना
संस्कार शुरू करने से पहले हर रात फिर से 2 ताजे कपड़े पहने। 3 अपनी वेदी साफ करें, गर्भगृह में प्रवेश करें। बर्तनों की व्यवस्था के अनुसार बर्तन बिछाकर अपनी वेदी स्थापित करें। पत्रसदन विस्तृत नोट्स में सुनिश्चित करें कि आप सभी बर्तन धो लें और इसे उपयोग करने से पहले हर दिन दीपक लगाएं। 4 परिवेश को शुद्ध करें। 5 आत्मशुद्धि आचमन, अपने हाथ धोएं, हस्त प्रक्षालन। 6 दीपक जलाएं, यदि आप इस समय धूप भी जला सकते हैं, पसंद है लेकिन यह वैकल्पिक है। 7 गणेश जी का आह्वान करें। 8 गणेश जी के लिए 3 हथकंडे दिखाएं, गणेश मुद्रा। 9 शुभता के वैदिक स्तोत्र स्वस्तिवचन का जाप करें। 10 अपने गुरु का ध्यान करें, गुरु ध्याना। 11 अपने गुरु मंत्र का जाप करें, गुरु मंत्र जप। 12 सभी सिद्धों को नमस्कार करें। 13 अपने इष्ट देव का ध्यान करें, इष्ट ध्यान। यदि आप किसी विशिष्ट देवता से प्रार्थना करते हैं तो अभी या बस उस देवता से प्रार्थना करें। नीचे दिए गए मंत्र का उपयोग करके देवी माँ का ध्यान करें। सिंदूर लाल रंग में चमकती दिव्य माँ का ध्यान करें। शरीर उसकी 3 आँखें हैं, देदीप्यमान मुकुट जड़ित धारण किए हुए, माणिक और अर्धचंद्र के साथ, एक सुंदर मुस्कुराते चेहरे के साथ और एक शानदार प्रतिमा। उसके हाथ में आभूषणों से जड़ा हुआ एक कप है, शहद और पानी से बने मादक पेय से भरपूर। उसके दूसरी ओर वह अत्यंत नाजुक ढंग से एक घूमता हुआ लाल कमल पकड़ती है। 14 प्रारंभिक मंत्र इष्ट मंत्र जप का जाप करें। यदि आप किसी मंत्र से दीक्षित हैं तो उस मंत्र का जाप करें। अब 11, 21 या 31 बार, यदि आपको कभी किसी में दीक्षित नहीं किया गया है, गुरुद्वारा मंत्र, बस इस साधना के मंत्र का जाप करें के लिए हर रात एक अलग मंत्र होता है, तो उस विशेष को देखें। रात को देखें कि आपको किस मंत्र का जाप करना चाहिए। 15 धरती माता से प्रार्थना करें, पृथ्वी पूजा। 16 प्रतिज्ञा लें, संकल्प। ऐसा केवल पहली रात को ही किया जाता है, आपको जप करने की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत में मानक स्वर, क्योंकि आप इसे ठीक से करेंगे या तो किसी पंडित से परामर्श करने की आवश्यकता है जो आपको सटीक चंद्र बता सके, तिथियां, ग्रहों की व्यवस्था और विभिन्न अन्य ज्योतिषी। व्रत का जप करते समय किन पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, या फिर आपको स्वयं वह ज्ञान प्राप्त करना होगा की संभावना। इस तरह गलतियां करना अधिक रहता है। यह बहुत आसान है और बेहतर है कि आप अपनी बात कहकर ब्रह्मांड के साथ अपना समझौता कर लें। आप जो भी भाषा जानते हो उसमें जोर से प्रतिज्ञा करें, मन्नत दी जाती है। अध्याय में चरण 16 में आह्वान के संस्कार में आवश्यक कदम। पुरुष चरण 17 मंत्र श्वास 18 प्रयोग विनियोग। यह 16 रातों तक हर रात बदलेगा और इसका विवरण नीचे दिया गया है। संबंधित अनुभाग 19 हाथों की शुद्धि, कारा शुद्धि। निम्नलिखित मंत्रों का जाप करें और उचित मुद्राएं बताएं। हाथों की शुद्धि करना 20 मंत्र से एकीकरण मंत्र न्यास। इस साधना में हर रात मंत्र न्यास बदला जाएगा। मैंने दे दिया है प्रासंगिक रातों के विरुद्ध ऐसे न्यासा का विवरण। 21 प्रारंभिक मंत्र जप, पूर्व मंत्र जप। एक बार जब आप न्यासा के साथ काम पूरा कर लें तो उसके मंत्र का जाप करें। विशेष रात्रि 16 बार। 22 प्रारंभिक हथकड़ी, पूर्व मुद्रा। 23 16 आहुति, षोडशोपचार। कृपया हर रात निम्नलिखित 16 प्रसाद बनाएं। आए प्रथम श्लोक से आह्वान करें। अपने हाथों को नमस्ते की मुद्रा में मोड़े और पास ले आए। तुम्हारा दिल देवी की कृपा पाने के लिए निम्नलिखित श्लोक का जाप करें। हिरण्यवर्ण हरिणी सुवर्णर्चता सृजम, चंद्र हिरणमय लक्ष्मी जातवेदोमा आवह। द्वितीय दूसरे श्लोक से स्वागत है। यह मानते हुए कि देवी आ गई हैं, उनके स्वागत के लिए दूसरे श्लोक का जाप करें। तम्मा आवाह जातवेदो लक्ष्मीम नापगामिनी, यस्याम हिरण्यम विन्देयम गमश्वम पुरुषानहम। तृतीय तीसरे के साथ एक सीट प्राप्त करें। उन्हें आसन देने के लिए श्री सूक्तम के तीसरे श्लोक का जाप करें। अश्वपूर्वम रथमध्यम हस्तिनात प्रमोदिनम, श्रिया देवीमुपहवये श्रीरन देवीर्जुषातम। आठवें श्लोक के साथ उन्हें वस्त्र अर्पित करें। 2 फूल या ताजे कपड़े का कोई छोटा टुकड़ा लेकर रख दें। अपने देवता के चरणों से यदि आप किसी मूर्ति या यंत्र का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आप फिर इसे लैंप के पास छोड़ सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप सुरक्षित रहें। किसी भी खतरे से बचने के लिए लैंप और कपड़ों के बीच की दूरी। शुभ पिपा सामलाम ज्येष्ठ मालाक्ष में नाश्या में है।
अभूतिमा समृद्धि च सर्व निरुंग मेघ्रीहा। नौवीं, श्री सूक्तम के नौवें श्लोक के साथ हुए आभूषण। एक फूल को आभूषण के रूप में लें और इसे अपने देवता यंत्र या देवी को अर्पित करें। चिराग, नीचे दिए गए श्लोक का जाप करें। गंधद्वारं दुरादर्शन नित्य पुष्टं करिष्यनिम् ईश्वरिन सर्वभूताना तमिहोपहवे श्रियम्। यदि आपके वित्तीय संसाधन अनुमति देते हैं तो आप पूर्ण लंबाई की पेशकश कर सकते हैं। सोने चांदी आदि के वस्त्र और आभूषण और 16 के अंत में रातों को आप इसे किसी ऐसे व्यक्ति को दान में दे सकते हैं जो देवी हो, उपासक या सात्विक जीवन जीता है। प्राप्तकर्ता पुरुष या महिला हो सकता है। एक्स दसवें श्लोक के साथ उसका इत्र। सुगंधित जल वाले बर्तन से एक चम्मच जल लें और इसे अपने पास वाली प्लेट में रख लें। जब आप नीचे दिए गए श्लोक का जाप करें वो करें। मनसा काम्मा कुटिम वाचा सत्यम शिमहि पशुनाम रूपमन्नस्य मई श्रिय श्रैतम यशः। 11 हे ओवर 11वें श्लोक के साथ एक या अधिक फूल लें, नीचे दिए गए श्लोक का पाठ करें और चढ़ाएं दीपक पर फूल। आपके साथ निम्नलिखित श्लोक का पाठ करना है। प्रसाद चढ़ाओ। कर्दमेन प्रजाभूत मई संभव कर्दम श्रिया वसय में कुले मातरम पद्ममालिनी। 12वें श्लोक के साथ धूप अर्पित करें। अगर आप धूप जला रहे हैं तो उसे दीपक के सामने दक्षिणावर्त घुमाएं। मूर्ति या यंत्र यदि आप धूप नहीं जला रहे हैं तो बस बंद कर दें। अपनी आँखें और इसे मानसिक रूप से अर्पित करें। श्लोक के साथ आहुति दें। नीचे आपः सृजन्तु स्निग्धानि चक्रिता वासामि गृहे निका देवी मातर्गी श्रिया वस्यामि कुले। 13-13वें श्लोक के साथ दीपक जलाया। यदि आपने किसी मूर्ति चित्र या यंत्र के सामने दीपक जलाया है तो उसे तुरंत उठा लें। निम्नलिखित जप करते हुए दीपक को एक बार दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएं। पद्य यदि आप दीपक से प्रार्थना कर रहे हैं तो बस उसके आधार को स्पर्श करें। श्लोक का पाठ करते समय दीपक आर्द्रण पुष्करिणी पुष्टिन सुवर्ण हेमा मालिनी सूर्य हिरणमय लक्ष्मी जातवे दोमा आवाह। 14-14वें के साथ ओएर मधुपर्क। सामान्यतः मधुपर्क घी में शहद मिलाकर बनाया जाता है। के लिए सुविधा और व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए आप केवल शहद या का उपयोग कर सकते हैं। देवी को प्रसाद चढ़ाने के लिए कोई मिठाई, यहाँ तक कि गुड़ भी। कृपया नीचे दिए गए श्लोक का जाप करें। अपनी पूजा के अंत में आप इसे अर्पित कर सकते हैं। किसी को मिठाई यदि कोई नहीं है तो बेझिझक इसे स्वयं खाएं। आर्द्रा यह करिणी यष्टिम पिंगलम पद्ममालिनी चंद्र हिरणमय लक्ष्मी जातवे दोमा आवाह। 15-15वीं के साथ स्तुति प्रपन्न आरती करें। बस अपने हाथों को नमस्ते में जोड़े अपने दिल के करीब और जप करें। नीचे दिया गया श्लोक तम्मा आवाह जातवे दो लक्ष्मी मंत कामिनी यस्य हिरण्य प्रभूतं गावो दास्योश्वान विंदेयन पुरुषन हम। 16 श्री गायत्री सहित नमस्कार। 16वीं भेंट चढ़ाने के लिए श्री सूक्तम के 16वें श्लोक का जाप नहीं किया जाता है। इसके बजाय लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है, मुख्यतः इसलिए। जप के लाभों को बताने वाला 16वां श्लोक फलाश्रुति। यह भजन महादेव च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रकोद्यात। एक बार जब आप 16 प्रसाद बनाने का काम पूरा कर लें तो आप तैयार हैं पुरुचरण के संस्कार में चरण 24 पर आगे बढ़ने के लिए। 24 मंत्र का आह्वान करें मंत्र संस्कार। इस साधना के लिए मंत्र संस्कार की आवश्यकता नहीं है। 25 अपने मंत्र का ध्यान करें मंत्र ध्यान। हर रात देवी माँ से निम्नलिखित प्रार्थना करें। यह 25 चरणों के पूरा होने का प्रतीक है। अगले चरण अगले एपिसोड में सिखाए जाएंगे। सनातन संसार AI की सदस्यता लें और बने रहें।